फिल्म फेस्टिवल लगातार सेलिब्रिटीज की आती तस्वीरें सुर्खियों में हैं। कैन यूरोप का सबसे फेमस फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, तो चलिए आज हम आपको सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं। वैसे आए दिन अलग अलग फिल्मों के प्रीमियर दुनिया की फेमस फिल्म फेस्टिवल में होने की खबर सुनते हैं। ये फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रिटीज की रेड कार्पेट वाली तस्वीरों की हाइलाइट्स तक ही सीमित नहीं है, इनका क्या महत्व है वो भी जानते हैं। नमस्ते, मैं पूनम हूँ और आप हैं मंच पर। फ्रांस के शहर कैन में 1946 में इस फिल्मी मेले की शुरुआत हुई थी। भले ही आप तक सेलिब्रिटीज के ग्लैमर लुक वाली तस्वीरें ही पहुंचती हों, लेकिन ये फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर की चुनिंदा डॉक्यूमेंट्री को दिखाता है। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इन फिल्मों को अवार्ड भी दिया जाता है। जैसे साल 1946 में ही जब पहली बार इंडिया से सेलेक्ट हुई स्क्रीन राइटर डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि उसके बाद से भारत को किसी भी फिल्म में यहाँ अवार्ड नहीं मिला है, जबकि टाइम टू टाइम यहाँ पर भारत की कई फिल्में प्रीमियर के लिए चुनी जाती हैं। जैसे इस साल अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनकर तैयार हुई फिल्म कैनेडी फेस्टिवल में दिखाई गई। सिर्फ फिल्म को ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और एक्टर्स को भी फेस्टिवल के लास्ट में अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कैन फिल्म फेस्टिवल अपनी पारंपरिकता के लिए भी जाना जाता है। वैसे फ्रांस में ही होने वाला वेनिस फिल्म फेस्टिवल भी यूरोप के टॉप फिल्म फेस्टिवल में गिना जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने फिल्म समारोह में से एक है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1932 में हुई थी। इस साल 2023 में 30 अगस्त से 9 सितंबर 2023 तक वेनिस फिल्म फेस्टिवल होना तय है। इस फिल्मी मेले में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों को दिखाया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वेनिस शहर में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो वहीं यूएस में होने वाला सन डांस फिल्म फेस्टिवल बीते सालों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरता नजर आया है। साल 1978 में इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इवेंट हर साल जनवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की गई कई फिल्में ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर्स, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हैं। अमेरिका में होने वाला ये सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल है। इसी के साथ ही बर्लिन फिल्म फेस्टिवल को भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और 1978 के बाद से हर साल ये बर्लिन में आयोजित होने लगा। इस फिल्म फेस्टिवल में सोनाक्षी सिन्हा स्टारर वेब सीरीज दहाड़ को पहली बार प्रीमियर मिला था। तो वहीं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि कनाडा में होता है, इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। एंटरटेनमेंट साइट वैरायटी के मुताबिक कैन के बाद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सबसे बड़े फेस्टिवल्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। अलग अलग देशों में होने वाले ये फिल्म फेस्टिवल बेहतरीन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पर सम्मान और पहचान दिलाने के लिए होते हैं। ये फिल्म फेस्टिवल फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच है जो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा फिल्म के कंटेंट पर फोकस करता है। इसी के साथ फेस्टिवल की एक थीम भी डिसाइड होती है जो कि लोगों को जागरूकता के लिए रखी जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।